नमस्कार, मैं हूं रमन मंगवाई और स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। और सबकी बड़ी खबर आपको बताते हैं, सुमित्रा ताई ने इंदौर को नई पहचान दी। पीएम मोदी ने बात कही, इंदौर के लोगों को शहर की सेवा करना आता है, समय के साथ इंदौर तेजी से बदला। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, काशी विश्वनाथ धाम में देवी अहिल्याबाई की मूर्ति, गीले कचरे के निस्तारण के लिए बेहतरीन प्रयास किया जा रहा है। बायो सीएनजी प्लांट से विकास को नई गति मिलेगी, इंदौर अब दूसरे शहरों को भी प्रेरणा देगा, भारत के दूसरे शहर भी स्वच्छ बनेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, समय के साथ इंदौर तेजी से बदला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इंदौर दूसरे शहरों को भी प्रेरणा देगा। काशी विश्वनाथ धाम में देवी अहिल्याबाई की मूर्ति और साथ ही साथ इंदौर में गीले कचरे के निस्तारण के लिए बेहतरीन प्रयास किए गए हैं, बायो सीएनजी प्लांट से विकास को नई गति मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली इसका उद्घाटन किया, इंदौर अब दूसरे शहरों को भी प्रेरणा देगा, भारत के दूसरे शहर भी स्वच्छ बनेंगे। तो अगर बात करें इस प्लांट की, तो एक दिन में 550 टन गीले जैविक कचरे को ट्रीट किया जाएगा, हर दिन लगभग 17,000 किलोग्राम सीएनजी का उत्पादन किया जाएगा। तो इस प्लांट की ये खासियत है, हर दिन 100 टन जैविक खाद का उत्पादन होने की उम्मीद है। तो गीले कचरे के निस्तारण के लिए ये प्लांट लगाया गया है, प्लांट जीरो लैंडफिल मॉडल पर आधारित, कोई रिजेक्ट नहीं। और मेरे तीन सहयोगी जुड़े हुए हैं अलग अलग जगहों से। पहले पीयूष के पास चलते हैं, पीयूष दिल्ली से जुड़े हुए हैं। तो पीयूष, इंदौर का जो ये मॉडल है और जो कूड़े के निस्तारण की समस्या है, चाहे वो जितने भी महानगर हों, एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। बड़े बड़ी लैंडफिल साइट्स हैं और ऐसे में ये जो उदाहरण है काफी अच्छा उदाहरण है, बाकी शहर भी इसे अपना सकते हैं। बिल्कुल, जिक्र भी प्रधानमंत्री ने किया, 75 शहरों में इसको शुरू करने की बात कही। और आज का जो पूरा ये कार्यक्रम था, अगर पूरे इस कार्यक्रम को हम देखें रमन, तो उसमें कई बातें सामने आई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गन्ना किसानों का भी जिक्र किया, इथेनॉल का भी जिक्र किया, और उसके अलावा उन्होंने पराली का भी जिक्र किया, पराली को बजट में क्या प्रारूप किया गया है उसका भी जिक्र किया, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का भी जिक्र हुआ। तो कहीं ना कहीं हम इस बात को देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि आज जो प्रधानमंत्री का एक पूरा कार्यक्रम था, इस कार्यक्रम में चूंकि पंजाब और गुजरात और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सबका उन्होंने जिक्र किया, क्योंकि सोलर का जो सिस्टम था उसकी शुरुआत गुजरात से हुई थी और उसके बाद उसको पंजाब में भी इंप्लीमेंट उसका किया गया, उत्तर प्रदेश में भी जगह जगह इंप्लीमेंट किया गया। तो और जहां तक की चुनावी राज्यों की बात करें, तो पंजाब में किसानों की समस्या है और किसानों की आय को किस तरह से बढ़ाया जा सकता है, इस बात का भी जिक्र आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गाहे बगाहे कर ही दिया। और कहीं न कहीं उन्होंने उत्तर प्रदेश को भी साधते हुए अहिल्याबाई का जिक्र किया, काशी कॉरिडोर का जिक्र किया, वहां पर लगी उनकी मूर्ति का जिक्र किया। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो पूरे के पूरे इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने इसे किसानों को समर्पित किया है। और क्योंकि जहां तक देखा जाए चुनावी राज्य है, वहां किसानों का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल, हमारे सहयोगी शेखर भी जुड़े हुए हैं लखनऊ से। तो शेखर, शहर बढ़ता चला जाता है और उसके साथ ही साथ जो ये कूड़ा निस्तारण है एक बड़ी समस्या बनता चला जाता है। तो इंदौर ने पहले भी बहुत उदाहरण दिए हैं, स्वच्छ सर्वेक्षण में नंबर वन पर इंदौर आया है, अब ये एक और एग्जाम्पल साबित हो सकता है तमाम जो बड़े शहर हैं उनके लिए। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, और स्मार्ट सिटी हो चाहे जो कंपटीशन केंद्र सरकार की तरफ से। शेखर आप सबको रोकना चाहेंगे, दरअसल अनुराग ठाकुर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधा वहां का रुख करते हैं। ए पुलिस वालों कैसे बोला क्या? और एटीएस और पुलिस पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए और उनकी जांच पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। मैं तो दो बातें आपके सामने और रखना चाहता हूं कि अखिलेश ने ठाना है आतंकियों को बचाना है, ये कब ठान लिया था? 2012 के उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के मैनिफेस्टो में सीधे सीधे लिखा था, और सीधे जो लिखा था वो क्या लिखा था कि मुस्लिम युवाओं के खिलाफ आतंकवादी जो चार्जेस हैं आतंकवाद के, उसको वापस लेंगे। 2012 में समाजवादी पार्टी के मैनिफेस्टो में कहा गया, और 2013 में सत्ता में आने के बाद अखिलेश जी ने
लेकिन उससे पहले क्या काम है एक बार आपको पढ़ के बता दो। 2012 के मैनिफेस्टो में समाजवादी पार्टी देश की पहली ऐसी पार्टी थी, कोई पॉलिटिकल पार्टी की, जिसने मैनिफेस्टो में वायदा किया था कि मुस्लिम युवाओं को टेरर चार्ज को छोड़ दिया जाएगा, वापस लेने की बात कही थी। और क्या कहा था कि जिन लोगों ने ये चार्जेस लगाए हैं ऐसे पुलिस वालों के खिलाफ सपा की सरकार कार्रवाई करेगी। यानी कि पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई और आतंकवाद को बढ़ावा देने को छुट्टी देने के बाद अखिलेश जी उस समय करते थे। और जैसे ही सत्ता में आए 2013 में चार्जेस ड्रॉप कर दिए, कोर्ट चले गए, जांच नहीं की अखिलेश जी की सरकार ने, सीधा कोर्ट में जाके चार्जेस ड्रॉप करने की बात कही, कोर्ट ने उसका संज्ञान लिया, कोर्ट ने संज्ञान लिया और क्या कहा कोर्ट ने कि आज आतंकियों को छोड़ दोगे तो क्या कल उनको पद्म भूषण दोगे। और मैं उनका आपका जो जज साहब ने कहा मैं आपको उसको पढ़ के सुना देता हूं। जो बेंच था जस्टिस आर के अग्रवाल जी का और जस्टिस आर एस आर मौर्य जी का, आई कोट टुडे यू आर विदड्रॉइंग केसेस अगेंस्ट देम, टुमारो विल यू गिव देम पद्म भूषण, आई अनकोट। ये उस समय के डबल बेंच ने कहा, जजेस ने कहा। ये अपने आप में अखिलेश यादव जी पर, समाजवादी पार्टी पर बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। ये कौन लोग हैं जिन्होंने लखनऊ में, बनारस में, अयोध्या में, रामपुर में बम धमाके किए, उनके खिलाफ मुस्लिम युवकों के आतंकी जो चार्जेस हैं उनको वापस लेने की बात उस समय अखिलेश यादव जी ने कही और करने का काम भी किया। ये तो भला हो कोर्ट ने उसका संज्ञान लिया। ये यात्रा यही नहीं रुकती। मैं एक और, आज जब चुनाव आए तो अखिलेश जी कहते हैं हम अयोध्या में जमीन लेकर देंगे, बनारस में जमीन लेकर देंगे, 5 घर खरीद के देंगे। मुंह में राम बगल में आतंकी, ये अखिलेश यादव जी की सोच है। तुष्टिकरण की राजनीति का एक और उदाहरण आपके सामने देखने को मिलता है। और ये तो जवानों की शहादत पर सवाल उठाते हैं, एटीएस और पुलिस पर सवाल उठाते हैं, और आतंकियों को घर पर बिरयानी खाने बुलाते हैं, उनके समर्थकों को बुलाते हैं। मैंने फोटो भी आपको दिखाई, क्या हाल है। इसलिए तो मोदी जी कहते हैं लाल टोपी मतलब रेड अलर्ट। ये लाल टोपी रेड अलर्ट है, और इससे बड़ा अलर्ट उत्तर प्रदेश के लिए और क्या होगा। चुनाव के समय उत्तर प्रदेश की जनता को यह तय करना होगा और ये निर्णय भी करना है कि ये समाजवादी नहीं समाज विरोधी है। अगर आप अगले भी उदाहरण देखेंगे तो उसमें भी स्पष्ट तौर पर आपको नजर आएगा, केवल अकेले अखिलेश यादव जी ने, आजम खान हो, अबू आजम हो, ऐसे इनके बड़े नेता सब पुलिस वाले शहादत उनके घर पे नहीं गए, जिनको आतंकवादी होने के आरोप में पकड़ा गया उनके घर पर उन लोगों के परिवारों से मिलने गए। ये आतंकवादियों को उनके परिवारों को संरक्षण देने का काम सपा करती है, भाजपा जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ चलती है। यही नहीं, मोदी जी ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस को देश के अंदर तो किया ही, मुख्यमंत्री रहते हुए भी, प्रधानमंत्री बनकर भी। मुख्यमंत्री थे तो अहमदाबाद के बम ब्लास्ट, सीरियल ब्लास्ट के खिलाफ कार्रवाई की, 26/11 का हमला हुआ तो मुंबई जाकर स्वयं वहां पर भी गए, और जब प्रधानमंत्री बने तो दुनिया भर के नेताओं के साथ आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को मोदी जी ने आगे बढ़ाया है और आगे बढ़ाएंगे। पिछले 7 वर्षों में देखिए सैकड़ों आतंकवादियों को मार गिराया, आतंकवादी हमलों को यहां पर अंजाम नहीं देने दिया है। यह भाजपा का जीरो टॉलरेंस आतंकवाद के खिलाफ है। अगर आप, मैं लंबा इस पे नहीं जाना चाहता, लेकिन एक के बाद दूसरे उदाहरण देखेंगे
सब लंबी सूची आपके सामने आती है कैसे समाजवादी पार्टी ने और कांग्रेस ने भी, बाटला हाउस कांड तो आप भूले नहीं होंगे, मोहनचंद शर्मा जी, इंस्पेक्टर मोहनचंद शर्मा जी की शहादत पर सपा और कांग्रेस ने प्रश्न चिन्ह खड़ा किया था और कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने कहा था कि सोनिया जी उन गुनेगारों के घरों पर जाकर फूट फूट कर रोई थी, लेकिन सोनिया जी राहुल गांधी जी के पास शहीद मोहनचंद शर्मा जी के घर जाने का समय नहीं था, ना अखिलेश जी के पास था, न उनके बाकी नेताओं के पास था। ऐसे कई प्रूफ आपके सामने हैं जहां रामपुर के सीआरपीएफ कैंप पर अटैक करने के, जहां पर 7 सीआरपीएफ के हमारे जवान शहीद हो गए थे, उसमें भी अखिलेश यादव जी ने उनके केसों को वापस करने की बात कही जो लोग उसमें इन्वॉल्व थे। इसी तरह से ही समाजवादी पार्टी के ऊपर आरोप और कई ऐसे लेख लिखे गए कि सिमी के ऊपर बैन नहीं लगाने के लिए समाजवादी पार्टी ने कहा। अलकायदा के जो ऑपरेटिव लखनऊ में पकड़े गए तो इन्होंने सवाल खड़े कर दिए पुलिस की जांच पर और एटीएस पर, ये अपने आप में दिखाते हैं इनका आतंकी प्रेम। राम नरेश यादव जी हो और बाकी जो नेता हो, उन्होंने तो समय समय पर, मैं बाकियों के कहना ना लूं, ये सब लोगों ने बार बार कहीं ना कहीं आतंकवाद, आतंकवादियों को संरक्षण देने की बात कही है। दूसरी ओर भाजपा ने जीरो टॉलरेंस की बात कही है। इतना ही कहते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, ये जो मिस्टर समाजवादी पार्टी हैं, इनके परिवार का अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट के साथ सीधा कनेक्शन है और सीधा कनेक्शन समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ भी है। इस पर अखिलेश जी से मैं जवाब चाहता हूं, उनकी चुप्पी क्यों है? न्यायालय के जो निर्णय आया है, आदेश आए हैं, उसके ऊपर भी इनकी चुप्पी क्यों है? आप लोगों को कोई प्रश्न हो तो आप एक एक करके पूछ सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी। देखिए, शायद तीसरी कड़ी में बोलना भूल गया था, आपने बताया है। सोनिया जी तो रोई ही थी जाकर उन आतंकवादियों के परिवारों के पास जाकर। अखिलेश यादव जी खुले में समर्थन देते फिरते हैं उन परिवारों को और पुलिस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। आपने अरविंद केजरीवाल जी की बात कही, इनको भी रात बिताने का टाइम कहीं और नहीं, खालिस्तान के समर्थकों के घरों पर जाकर मिला। और ये आरोप उनके ऊपर किसी और ने नहीं, उनके ही अपने फाउंडर मेंबर्स ने AAP के लगाए। AAP मतलब अरविंद एंटी पंजाब, उनके खिलाफ लगाए। वहां पर भी जांच करने की बात गृहमंत्री जी ने कही है और यहां तो पूरी जांच अमित शाह जी ने उस समय से लेकर आज जो ये निर्णय आया है, उस समय की सही जांच और कोर्ट ने भी उसको सच साबित करके फांसी की सजा सुनाने का काम भी किया है। मैं तो यही कहूंगा, वही हवा है, वही सपा है, दंगाइयों का हाथ, आतंकियों का साथ। तो ये अनुराग ठाकुर थे जिनका कहना था कि समाजवादी तुष्टिकरण के यार हैं। और इसके साथ ही साथ अखिलेश ने कहा कि अखिलेश यादव पर उन्होंने निशाना साधा और कहा कि आतंकियों के साथ अखिलेश का हाथ है। तो ये अनुराग ठाकुर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मुंह में राम बगल में आतंकी, हम आतंकवाद को जड़ से मिटाएंगे, ये अनुराग ठाकुर ने कहा। और अरविंद केजरीवाल पर भी उन्होंने निशाना साधा, उनका कहना है कि उन्हीं के फाउंडर मेंबर ने अरविंद केजरीवाल एंटी पंजाब जैसे आरोप उनके ऊपर लगाए हैं। साथ ही साथ अखिलेश यादव पर, समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए नजर आए अनुराग ठाकुर। लाल टोपी रेड अलर्ट, समाजवादी पार्टी सरकार में गुंडे आतंकियों को बल मिला है, ये कहना है अनुराग ठाकुर का।
समाजवादी तुष्टिकरण के यार हैं। तो चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और लखनऊ से मेरे सहयोगी शेखर जुड़ चुके हैं, सीधा शेखर का रुख करते हैं। तो शेखर, यहां पर फिर से चुनाव से पहले आतंकवाद की बात करते हुए अनुराग ठाकुर यहां पर नजर आए हैं और सीधा आरोप अखिलेश यादव पर लगाया कि समाजवादी पार्टी का साथ आतंकवाद के है। देखिए रमन, ये एक जो फैसला आया है अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट का, उसने उत्तर प्रदेश के चुनाव पर अपना प्रभाव छोड़ा है। इन बयानों से ये साफ हो जाता है। अनुराग ठाकुर जो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी की तरफ से सह प्रभारी भी हैं, लगातार दौरे कर रहे हैं और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने समाजवादी पार्टी पर हमला बोला है, उसका स्पष्ट दिखाई देता है कि जिस तरीके से 2012 के पहले मैनिफेस्टो में उन्होंने जिक्र किया कि समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम लड़कों को छोड़ने की बात कही थी जिनके ऊपर आतंकवाद के चार्जेस थे और उसके बाद उन्हें रिहा भी किया गया 13 में जब सरकार बनी, उसका जिक्र किया उन्होंने। साथ ही उन्होंने कांग्रेस का जिक्र किया जब आजमगढ़ के संजरपुर में जा करके और जो मुस्लिम लोग जो मुस्लिम आतंकवादी थे उनके घरों पर जा करके और शोक संवेदना प्रकट की थी, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो चाहे अखिलेश यादव हो। तो ये तमाम चीज़ें जो उन्होंने रखी हैं उससे ये बात स्पष्ट करने की कोशिश की है कि समाजवादी पार्टी, और बड़ी बात यह है कि जो लड़का जिसको अहमदाबाद ब्लास्ट में फांसी की सज़ा सुनाई गई है उसके जो फादर हैं वो अभी भी समाजवादी पार्टी में हैं और कैंपेन कर रहे हैं अखिलेश यादव के साथ में। उनकी तस्वीरें भी वायरल हुई हैं, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन फोटोज़ को सामने रखा था। तो ऐसी तमाम चीज़ें, अब देखिए इसका जो प्रभाव है वो दो तरीके से पड़ेगा, मैं लगातार इलेक्शन कवर कर रहा हूँ। एक चीज़ ये है कि जो हिंदू तबका है वो इस बात को समझे कि जो आतंकवाद है, जो पार्टी है, क्या वो प्रदेश का, देश का इस तरीके से नुकसान करेगी, हम एक बार फिर से दहशतगर्दी में चले जाएंगे, आतंकियों की सरपरस्ती में चला जाएगा पूरा माहौल, गुंडागर्दी में आ जाएगा, तो उस तरीके से बीजेपी अपनी टैक्टिकल वोटिंग को कराना चाहती है। दूसरी तरफ जो मुस्लिम तबका है वो ऐसी परिस्थिति में आमतौर पर ये देखा गया है कि बहुत ज़्यादा पोलराइज हो जाता है और कौम के नाम पर जब वोट पड़ने लगते हैं तो ये पूरा का पूरा सिनेरियो बदलने की कोशिश होती है और एक तरफा एकजुट होकर के वो एक ही पार्टी को वोट देते हैं ताकि उसके कैंडिडेट की जीत हो सके, उसकी सरकार आ सके। ये 7 में भी हमने देखा है, 12 में भी हमने देखा है और अभी 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से दम दिखाया है तो उसमें ये चीज़ देखने वाली होगी कि क्या एक बार फिर से ये जो अहमदाबाद हाईकोर्ट का फैसला है उसका वो तुष्टिकरण की तरफ जाता है या फिर जो हिंदू समाज है वो अपनी जगह को, चीज़ों को समझता है और उस तरह से वोटिंग करता है। तो जाहिर सी बात है कि ये अनुराग ठाकुर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो कुछ उसी तरफ इशारा कर रही है, खासतौर से जो उनका अपना वोट बैंक है कि अगर वो पोलराइज हो रहे हैं, वो उस चीज़ को देख रहे हैं। तो आप भी देखिए, कोई दंगा नहीं हुआ है उत्तर प्रदेश में बीते 5 सालों में, इसके अलावा 2014 से लेकर के और 22 तक जो केंद्र की सरकार चली है उसने तमाम योजनाओं को दिया है। तो इस तरीके से जो एक आतंकवाद का खतरा है उत्तर प्रदेश को, लगातार यहाँ से निवेशकों का जाना और बाकी चीज़ें रही हैं, पुराना दौर रहा है उसको याद दिलाते हुए आगे के विकास की कहानी यहाँ पर बताने की कोशिश हो रही है। आप देखिए इंदौर में प्रधानमंत्री ने जब CNG बायोगैस का प्लांट का उद्घाटन किया है उसमें भी उन्होंने रानी अहिल्याबाई का जिक्र किया है। हमारे दर्शकों के लिए भी ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अहिल्याबाई का नाम अगर इंदौर के उस CNG प्लांट में प्रधानमंत्री लेते हैं, वाराणसी उनका संसदीय क्षेत्र है, काशी विश्वनाथ का जो कॉरिडोर है वो भव्यता के साथ बनाया गया है और जो काशी विश्वनाथ बाबा का मंदिर है, जो शिवलिंग है जिसपे आज की तारीख में जल चढ़ता है, वो रानी अहिल्याबाई ने ही स्थापित किया था। बिल्कुल, इस बात को समझना होगा, तभी उन्होंने कहा है कि वो वहां पर अहिल्याबाई के जो मंदिर बनाए हैं, जहाँ फिर उन्होंने मंदिर के लिए काम किया है, वो बेहद काबिले तारीफ है और उसे याद करते रहना चाहिए। एक बड़ी खबर फिर से बता दें दर्शकों को, वापस लौटेंगे आपके पास। सुमित्रा ताई ने इंदौर को नई पहचान दी, ये प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, इंदौर के लोगों को शहर की सेवा करना आता है, समय के साथ साथ इंदौर तेजी से बदला, ये प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। काशी विश्वनाथ धाम में देवी अहिल्याबाई की मूर्ति लगी है, गीले कचरे के निस्तारण के लिए बेहतरीन ये प्रयास है, बायो CNG प्लांट से विकास को नई गति मिलेगी, इंदौर अब दूसरे शहरों को भी प्रेरणा देगा, तो भारत के दूसरे शहर भी स्वच्छ बनेंगे, ये प्रधानमंत्री मोदी ने कहा और वर्चुअली उन्होंने उद्घाटन किया गीले कचरे के निस्तारण के लिए, ये बेहतरीन प्रयास है। तमाम शहर जो बड़े होते चले जाते हैं लेकिन कूड़े के निस्तारण को लेकर ये एक
शानदार पहल है बायो सीएनजी प्लांट, और यही प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा कि अब दूसरे शहरों को भी प्रेरणा देगा ये प्लांट। और इंदौर अगर बात करें तो स्वच्छता सर्वेक्षण में भी नंबर वन कई बार रहा है, और अब ये एक और बड़ा कदम इंदौर की तरफ से, यहाँ पर सीएनजी प्लांट जो कि कच्चे कूड़े से, गीले कूड़े से सीएनजी बनेगी। और प्रवीण खारीवाल जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। प्रवीण खारीवाल जी, कितना बड़ा कदम ये मानते हैं आप इंदौर शहर के लिए, और साफ सुथरा नजर आएगा आपका शहर अब? निश्चित तौर पर पिछले 5 साल से हर इंदौरवासी इस गौरव के साथ जी रहा है कि उसके शहर का नाम पूरे देश और अब दुनिया के नक्शे कदम पर आया है, और आज इसमें एक मील का पत्थर और जुड़ा है कि कचरे से बायो सीएनजी संयंत्र बनाने का काम हुआ है और माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने आज इसका उद्घाटन किया है। तो निश्चित तौर पर जो इंदौरवासी सालों से कचरा घरों से अलग अलग करके दे रहे थे, उन्हें अब समझ में आया है कि गीले सूखे और 6 तरह से कचरा अलग अलग देने का क्या फायदा आज समाज को मिल रहा है। निश्चित तौर पर शुरुआती दौर में लोग इस बात को लेकर चिढ़ते थे कि अपने घर का कचरा वो एक ही पैकेट में डाल देते थे, लेकिन जिस तरह से उन्हें शिक्षित किया गया धीरे धीरे, आज वो उन्होंने उसका महत्व समझा है और कचरे से एक सोना बनाने का नवाचार इंदौर ने किया है। निश्चित तौर पर इंदौर वासियों के लिए और पूरे मध्य प्रदेश के लिए फख्र का विषय है। बिल्कुल। और कुलवीर दीवान भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं चंडीगढ़ से। कुलवीर, चंडीगढ़ वैसे प्लांट सिटी है और बहुत साफ सुथरा शहर है, लेकिन ये ऐसा है कि आपको कचरे की कीमत मिलेगी अगर यहाँ भी इसी तरह से हो, जितने भी हमारे बड़े शहर हैं वहाँ इसी तरह से प्लांट लगाए जाएं तो आपका कचरे का भी निस्तारण होगा और साथ ही साथ आपको ईंधन भी मिलेगा। जी बिल्कुल, चंडीगढ़ में इस तरह की जरूरत जो है वो भी महसूस की जा सकती है। हालांकि सिटी ब्यूटीफुल के नाम चंडीगढ़ विख्यात है, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह की जो समस्या है उसका समाधान करने के लिए लगातार प्रशासन भी प्रयास करता रहता है, लोगों की मांग भी रहती है। लेकिन जिस तरह से एक किरण जागी है, तो तौर पर चंडीगढ़ में भी की रोशनी जो है मुद्दा करा आनी चाहिए। और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और जिक्र किया है, खासतौर पर वो पंजाब और हरियाणा के किसानों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि पराली जो है उसका कोयले की जो इस्तेमाल होगा, यानी वहां पर उसका जो इस्तेमाल किया जाएगा, इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोक संदेश देना चाहते हैं कि एक तो पराली की समस्या जो है उसका समाधान होगा, साथ ही किसानों का आमदनी का एक और तरीका पैदा होगा। और पंजाब और हरियाणा ऐसे जो राज्य है जहाँ पर जब जब दिल्ली में प्रदूषण बढ़ता है, खासतौर पर धान की कटाई के समय, उस वक्त पंजाब और हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसानों को पूछा जाता है, ये कहा जाता है कि अपनी अपनी फसलों के अवशेष को आगे प्रदूषण बढ़ता है, और इससे काफी शराब के किसानों में बनी रहती है। और इसी मामले में बहुत सारे मामले दर्ज भी होते हैं। किसान में भी आपने देखा होगा कि किसानों की ये भी देखा मांग थी कि जो पराली का उत्पादन है वो सरकार उसके जान करे और किसानों से जो मामले दर्ज होते हैं, जो कार्रवाइयां होती है उनको वापस लिया जाए। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से किसानों के दर में बड़ी बीमारी है, और क्योंकि उत्तर प्रदेश और पंजाब की चुनाव भी है, और किसान जो है वो दोनों राज्यों में एक बड़ा उप बैंक है, यानी कहीं ना कहीं किसानों के लिए एक बड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे सहयोगी शेखर भी जुड़े हुए हैं लखनऊ से। और शेखर, आप जिस शहर में रहते हैं वो बहुत कमाल का शहर है, और बात करें तो पॉश कॉलोनी भी वहाँ है, घनी बस्तियाँ भी वहाँ है, और इस शहर में लोगों को समझाना कितना मुश्किल या आसान होगा अगर इंदौर जैसा प्रयोग यहाँ पर किया जाए, और ऐसा प्रयोग होता है तो अच्छी बात है। लखनऊ जब स्मार्ट सिटी में इंक्लूड हुआ तो उसके बाद यहाँ पर भी कई प्रयास हुए। जो लखनऊ का नगर निगम है इसने कोशिश की, आज कूड़ा गाड़ियाँ हैं नगर निगम की जो अलग अलग इलाकों में जाती हैं, और वहाँ पर 3 उसमें डस्टबिन लगी होती हैं जिसमें सूखा कूड़ा, गीला कचरा और इस तरीके से 3 तरीके के जो वेस्ट हैं उसको डालने की बात लगातार अनाउंस भी होती है उसमें। तो लोगों ने अच्छा गाना भी बजता है, उसका एक गाना अलग से तैयार किया गया है, तो छोटे छोटे बच्चे हों या बड़े हों उन सब की दिलचस्पी रहती है। जब सुबह 5:30-6 बजे ये वैन वहाँ से निकलती है तो लोग अपना कूड़ा खासतौर से घर में भी, उन्होंने 3 डस्टबिन उसी तरीके से बनाए, कई ऐसे इलाके हैं जो अलग अलग कूड़ा करके देते हैं।
बड़ी चीज़ ये है कि लखनऊ में भी इस तरीके से वेस्ट से बिजली बनाने का काम यहाँ पर शुरू किया गया था, लेकिन तब मोहम्मद आजम खान जो नगर विकास मंत्री होते थे वो उस फैक्ट्री में गए, और उस फैक्ट्री में जाने के बाद वो जिस तरीके से बाहर निकले वो ये बताने के लिए काफ़ी था, उनका चेहरा देख करके समझा जा सकता था कि जो काम या जो जो योजना थी उसको पूरी तरीके से धरातल पर वो कंपनी उतार नहीं पाई थी। तो ये भी एक दिलचस्प चीज़ है कि ज़रूरी चीज़ है कि इस तरह के जब प्रयोग होते हैं तो उसमें उसका एंड रिज़ल्ट लाना पड़ता है, और शायद उस तरह की सिचुएशंस बनानी पड़ती हैं जिससे सवाल उठाने का मौका ना मिले, और ख़ासतौर से जब आप किसी मंत्री को बुला रहे हैं तो अगर वही नाक भौं से गुड़ करके बाहर आता है तो समझा जा सकता है। इंदौर में इस चीज़ का थोड़ा सा अलग हुआ है। देखिए, छः तरीके का तो एक तो कूड़ा अलग कर रहे हैं, 550 मीट्रिक टन उनके कूड़ा अलग करने की ताकत है, और उसके अलावा इंदौर चूंकि शुरू से ही लगातार अपने आप को स्मार्ट सिटी के दौर में लड़ाई में वो फर्स्ट आता रहा है, तो उस लिहाज से वहाँ के लोगों ने एक परिपक्वता का लेवल छू लिया है। तो बाकी जो शहर है जो स्मार्ट बनने की कगार अगर इस फॉर्मेट को फॉलो करें तो ऊर्जा भी मिलेगी और शहर साफ सुथरा भी रहेगा। प्रत्युष, प्रधानमंत्री ने आज उदाहरण दिया है, इंदौर का उदाहरण दिया है, तो उम्मीद करते हैं बाकी संस्थाएं, बाकी नगर पालिका जो बाकी सब हैं वो भी फॉलो करेंगे इसे। देखिए, उन्होंने 75 नगर पालिकाओं का उन्होंने बड़ी जो जिक्र किया, उन्होंने कहा कि 75 जगह ऐसी चिन्हित की जाएगी पूरे देश में जहां पर इसकी शुरुआत की जाएगी। तो निश्चित तौर पर अगर इसकी शुरुआत होती है, अगर हम बात करें 2016 के बाद के जितने भी बजट आए उसमें अगर जिक्र हो तो वैकल्पिक ऊर्जा का जिक्र हुआ है, और ऊर्जा का जिक्र केवल इसी क्षेत्र में नहीं हुआ कि केवल वो इधर के तौर पे हो बल्कि अन्य क्षेत्रों में हुआ है, और कहीं ना कहीं बायो गैस प्लांट जो जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है वैकल्पिक ऊर्जा के तौर पर होगी। उन्होंने आज के प्रोग्राम में जब जिक्र किया सोलर ऊर्जा का, जिक्र किया एथेनॉल का, तो कहीं ना कहीं उन सभी बातों का वो जिक्र कर रहे थे, क्योंकि वैकल्पिक ऊर्जा के क्षेत्र में जिस तरह से पावर का जिक्र किया कि हम 5 बड़े देशों में से हैं, तो कहीं ना कहीं उस तरफ भारत का फोकस कैसे हो और भारत स्वच्छ कैसे रहे, इन दोनों दिशाओं में काम कर रही है सरकार, और इस बात को उन्होंने आज बहुत सहजता से रखा है। बिल्कुल, कुलवीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दरअसल कुलवीर, पंजाब की बात करें तो वैकल्पिक ऊर्जा हमेशा से ही एक अच्छा विकल्प रहा है, पराली को लेकर भी तमाम जो किसान हैं उनकी समस्याएं रही हैं, तो वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत खोले जाएं तो अच्छी बात है, पराली से भी संकट से निजात मिलेगा, कूड़े से संकट से निजात मिलेगा और ऊर्जा भी मिलेगी। देखिए, बिल्कुल एक बड़ी समस्या जो है उसका समाधान तो होगा ही, साथ ही एक विकल्प के तौर पर किसानों को आमदनी भी मिलेगी और ऊर्जा का एक नया सा जो संसाधन है वो भी मौजूद होगा। यानी प्रधानमंत्री ने आज जो उद्घाटन किया है और उसके बाद जो संबोधन किया है उसने जो पॉइंट्स रखे हैं खासतौर पर सौर ऊर्जा को लेकर भी या फिर और जो वैकल्पिक तौर पर एनर्जी। बिल्कुल बिल्कुल कुलवीर, शेखर, पीयूष, आप सब लोग जुड़े, तमाम जानकारी आपने साझा की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो इंदौर में ये प्लांट लगाया गया है, ऊर्जा भी मिलेगी और शहर साफ भी रहेगा। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला चलता रहेगा।